आज सच्ची सच्ची बातें करते हैं, करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बचपन से लेके जवानी तक की इसने लगा दी है जान हमारे साथ खान वाह यार कुछ है जो बिल्कुल बिल्कुल चल रहे बॉम आएंगे बिल्कुल अभी तुम्हारी क्या एज होगी यार अभी ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू और इंडस्ट्री में कब आए जब मैं चार साल का चार साल के पहला ड्रामा किया एड किया क्या नहीं पहले तो लाइक एक एड था बेसिकली मॉर्निंग शो के लिए था सही तो कोई कैंपेन होगी उनकी कोई मॉर्निंग शो के लिए तो वो कौन सा मॉर्निंग शो याद है कुछ हल्का वो कोई कुकिंग शो का था

उन्होंने और उसको मैं भाई और मेरी हम तीनों जो है ना वो, तो वो, थे थे सही, सही, सही। तो वो नोकिया का छोटा फोन था तो उसपे पॉज प्ले पॉज प्ले सोलो मास्टर अब हुआ कि वो एकदम बड़ी मशहूर थी तो उन्होंने क्या किया कि मामू को और आप बाकी और भी खानदान वाले थे उनको ब्लूटूथ सिस्टम पर भेजते थे ऐसे ही देख लो मेरे मामू एडिटर थे तो वो दोस्तों को दिखा रहे थे पीछे आबे सजा बैठे हुए तो उन्होंने देखा उन्होंने कहा यार ये तो बच्चा बड़ा अच्छा एक्ट कर रहा है इसको लेकर आओ एक दफा मैं गया वहां पर उन्होंने बोला कि बेटा एक्टिंग कर लो मैंने कहा जी, जी कोई मसला ही नहीं है कर लेंगे इनशाला मैंने कहा वैसे होती क्या एक्टिंग ये भी बता दें तो पता भी नहीं था होता क्या गया बोला कुछ नहीं बस आपको बता देंगे इस तरह से हमने किया और वो मॉर्निंग शो में चल गया उसके बाद तीन चार दिन बाद एतशामुद्दीन ने इतफाक उनको कॉल की होगी एतशाम भाई ने कहा कि यार ऐसा का भय कोई बच्चा नहीं मिल रहा बड़ा ड्रामा है परफ्यूम चौक और बहुत हिट ड्रामा है और ये उस वक्त बात परफ्यूम चौक की मैं उस वक्त बात बता रहा हूँ जौहर चौरंगी में जो परफ्यूम चौक है जब उसका परफ्यूम चौक नाम नहीं था वो बेसिकली जौहर चौरंगी जौहर ही कहलाता था वो कोई उस जगह का नाम नहीं वो था जो था गली है एक जी जो गली है उसका हाँ। कोई नाम नहीं था उस वक्त सही वो कोई लोग ये नहीं कहते थे ये परफ्यूम चौक है पूरी स्टोरी थी उसका कुछ हुआ ये था कि आ, जब मैं उस वक्त वहाँ पे ऑडिशन के लिए पहुंचा आबिश भाई ने मुझे बोला अम्मी मैं हम लोग पहुंच गए दो बच्चा है फोटो कॉपी ऐसे निकल कर -कर 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 -कर, और ऐसे बटर बच्चों को जैसे कोई बात ही नहीं है ना कि कोई लंडा माल बे उस तरह से मुझे स्क्रिप्ट दे दिया मैंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ लिया अब जब मैं गया तो वहा पे आप भाई यूं बैठे मैं इस तरह से कैमरा मैन जुता कहते हाँ बेटा आप हो यहाँ यहाँ खड़े हो थक गए ना बिल्कुल बुराल चार दिन से लगे हुए ना बच्चा ही नहीं बचा आगे खड़ा कहता है जी याद है, जी, जी याद है मैंने याद है हमें चेन बना हुआ था मैंने बोला रोल अब मैंने डायलॉग ये बोला मेरा नाम चीकू भाई का नाम काशी का नाम मिर्जा साहब काम वाम कुछ नहीं करते हो दो दो शादियां कर रखी है मैं इधर की उधर उधर की उधर, की उधर करता हूँ लोग अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ी मेरी छिड़ी की चीकू परफ्यूम चौक और मैंने लॉकेट उठाया लॉकेट यहाँ आके रुका तो उसपे ना उन्होंने बोला कट उन्होंने बोला तुमने बोल दिया मैंने कहा एक और दफा करेंगे तो बोला बेटा कर लोगे मैंने कहा चार साल चार साल का सही और उस वक्त वो यूं थे ठीक है कर लो उन्होंने दोबारा रोल किया मैंने पूरा दिया और लॉकेट पूरा घुआं यहाँ पर आया सही। उन्होंने ये नहीं कि वो एक ऑडिशन एक था उन्होंने उस ऑडिशन इतना परफेक्ट था कि वही उठा के उन्होंने हम टीवी पे चला दिया क्यों यही है बेसिकली की और डन करा दिया अब डेट शेट लॉक हो गई ये वो फिर वो ड्रामा माशाल्लाह मशहूर हुआ अब वो बेसिकली हुआ ये था कि वो जगह का और ऐसे उसका कनेक्शन है वो हुआ ये था कि परफ्यूम चौक पे ही एक दुकान थी जो की एवन परफ्यूम की दुकान है छोटा सा ठेला है उसने उसका नाम रखा था परफ्यूम चौक सही है उस जगह का नाम था उस दुकान का ड्रामे से पहले रखा होगा ना ड्रामे से पहले जब उसने देखा यार ये तो मेरे मेरी दुकान का नाम और ये नाम सेम है बिल्कुल उसने जगह जगह जा जाके रात को तीन तीन चार चार बजे हर शटर पे हर दुकान पे और

दादी दादी एक रहा। रहा। दादी एक मिनट मिनट वाली अच्छा वो हाँ, वो था, वो था लेकिन अगर देखा जाए कोई पंद्रह चौदह पंद्रह साल वाली पुरानी बात है और आपको है उस वक्त मैं फर्स्ट टाइम आबद सलीम से मिला था उस वाले कमर्शियल में आबिद भाई उस वक्त थे मैं चौदह पंद्रह साल से अबिद भाई को जानता हूँ और मैं ये ये बात खुद है कि मेंशन करके कहता हूँ कि उस कमर्शियल की वजह से ना मैं कमर्शियल में इतना चीता हो गया था इतना चीता हो गया था कि और ये क्रेडिट आबिद भाई को भी जाता है कि मैं टर्की गया था और वहाँ पे ना क्लाइंट आई थी और क्लाइंट ऐसे नॉर्मली ना कहती हैं कि आज जहाब ये ये सारे इस तरह के पोजे देने आपको ये वो ये वो चॉकलेट चिपका कमर्शल था इस तरह से मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं फोटोग्राफर टर्स था अब वो कहती है ए, दो मिनट रुकी मैंने जाके ना वहाँ से मजीद स्क्रिप्ट लेकर आ जाती हूँ मैंने कहा ठीक है अब वो गई है तो मैंने फोटोग्राफर को बोला मैंने कहा ब्रदर उसने कहा लस डू इट लस डू इट कहते ओके मैंने ना पोज देखे ना कुछ देखे मैंने कहा बस तू लेता है दो मिनट वो बस झूल करता रहा है और मैं पोजेस चेंज दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ दो मिनट बाद जब वो आई है तो उसने बोला ये 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 तो फोटोग्राफर ने मैम वी आर डन डनती क्यों कह रहे हैं उसने कहा उसको कि हमने इसके डेढ़ सौ से ढाई सौ शॉट्स अलग अलग ले लिए सारे परफेक्ट हैं जब उसने, उसने सारी पिक्चर्स देखी उसने बोला तुमने तो कैसे दिया मैंने कहा कुछ नहीं है यार आप लोग काम करो आगे बढ़ो मतलब लाइक यू नो कि इतना ब्लेंड हो गया कि मुझे पता है यार इस नथिंग तो काम करते करते वो वो रुका देन फिर गुड्डू आ गया मन के मोती मन के मोती मन के मोती है जिसमें गुड्डू था वो चीज मशहूर हुई